मेरा नाम दिशा अरोरा है. मैं हेरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. हेरा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, गॉडेस ऑफ वॉर. तो वो दिल्ली से आई हुई लड़की है, बॉम्बे आती है कुछ बनने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, फैशन करने के लिए. लेकिन ड्यू टू सम रीजंस शी गेट्स ट्रैप्ड एंड शी गेट्स इन्वॉल्व विद सम गैंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स एंड सम पीपल, सम पॉलिटिकली डोमिनेंट पीपल. उस चक्कर में वो जो और कैरेक्टर्स हैं फिल्म में उन सबकी लाइफ में आती है और उनको बहुत सारे चक्करों में घुमाती है, खुद घूमती है और उसी के बारे में चार्ली के चक्कर में. तो मैं बहुत, सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल और बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला नसीर साहब के साथ काम करने का. और नसीर साहब के साथ साथ इनफैक्ट हर एक एक्टर जो मेरी फिल्म में है, सबके, सबने मुझ पर विश्वास किया, सबने मेरे को बहुत हेल्प किया. बहुत टफ कैरेक्टर था तो सबके साथ की वजह से इट वॉज़ माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट सिनेमा एक्सपीरियंस, माई फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस एक्चुअली. एंड आई थिंक आई एम रियली लकी टू गेट सच अ कैरेक्टर एंड टू हैव सच अमेजिंग टीम मेम्बर्स, सच अमेजिंग को एक्टर्स टू हैव सपोर्टेड मी, टू हैव बिलीव्ड इन मी एंड टू हैव हेल्प मी इन एवरी वे दैट दे कुड हैव. एंड मतलब मैं तो ऑन टॉप ऑफ द मून हूँ कि फिल्म रिलीज हो रही है. प्लीज करेक्ट. सो आई थिंक द फैक्ट दैट इट वॉज, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब आई हैवंट, व्हेन आई वाज पिक्चरिंग एवरीथिंग दैट आई वाज रीडिंग, आई डोंट नो इफ आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन बॉलीवुड और नॉट. तो मुझे भी समझ नहीं आई थी शुरू में क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है फिल्म में, बहुत सारे थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस है कि मैं खुद ही समझ, मुझे खुद समझने में बहुत टाइम लगा था. लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, आई थिंक फॉर एनी एक्ट्रेस टू गेट दैट कैरेक्टर इज़ अ ह्यूज चैलेंज. एंड आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ टू गेट सच अ कैरेक्टर, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बोल्ड है, उसी सेम टाइम में इतना वीक है और क्या क्या किस वजह से करती है वो कुछ समझ नहीं आता है. तो हाँ, बोलो बहुत हो एक साथ. आई एम रियली रियली एक्साइटेड. आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस क्योंकि इंग्लिश चलेगा. आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस. आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड नीना सरोगी. शी इज फ्रॉम कैलकटा एंड बॉम्बे में रहती है. स्ट्रगलिंग एक्टर है और शी वॉन्ट्स टू बिकम बिग लाइक एनी अदर एक्टर. शी वॉन्ट्स टू बी अ लीड इन अ फिल्म. और अपने दोस्तों के साथ वो मिलती है एंड हाउ एक बहुत ही ईजी वे मिलता है पैसा बनाने का एंड हाउ दे काइंड ऑफ टेक इट अप एंड हाउ थिंग्स काइंड ऑफ स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, उसके आगे नहीं बता सकती बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री. सो या दैट्स माई कैरेक्टर एंड इट्स, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज द फिल्म इज कमिंग आउट, बट आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस बिकॉज इट्स अ वेरी ट्विस्टेड फिल्म. इट्स नॉट अ फिल्म दैट, जैसे मनीष कहते हैं कि इट्स नॉट अ फिल्म कि आप दिमाग घर पे रख के आ सकते हैं. यू हैव टू गेट योर ब्रेन्स, यू विल हैव टू, दिमाग की कसरत है फिल्म. इट्स फॉर अ मैच्योर्ड ऑडियंस, फॉर अ इवॉल्व्ड ऑडियंस आई थिंक. आई थिंक एक बार नसीरुद्दीन शाह ने बताया था कि ही काइंड ऑफ आस्क मनीष दैट तुम मोमेंटो बना रहे हो लेकिन इंडियन ऑडियंस इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ फिल्म लाइक दैट. So Manish was like, no, I should at least we make it and we hope people will like it. It's an experiment, it's a leap of faith we've taken. Really hope people appreciate it, they like it and yeah, I think it does well. सो हाय, माय नेम इज़ गौरव शिखा और मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ यहाँ पे. हर नेम इज़ समीरा पावटे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद नसीर सर. लाइक आई डन माय सीन्स विद हिम, ऑल माय सीन्स आर विद हिम. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट माय कैरेक्टर. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर. शी हैज़ वन माइंड, उसे पता है कि वो क्या कर रही है लेकिन उसके बावजूद यू नो उसको ये प्रूव करना है कि जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है और पुलिस ऑफिसर है तो बाकी के लोग उसको दबा नहीं सकते हैं. सो शी टेक्स केयर ऑफ दैट एंड शी टेक्स हर डिसीजन और वो प्रूव करना चाहती है कि अगर उसके हाथ में कल को कोई केस आए तो वो भी उसको अकेले सॉल्व कर सकती है.
जो कि एग्जैक्टली इस फिल्म में होता है। ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म में, ये बिल्कुल अलग है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड एंड देयर इज दिस गर्ल हु इज प्लेइंग अ कॉप एंड शी इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, डेफिनेटली क्योंकि थ्रिलर है तो केस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो एंड आई एम लाइक, और मेरा पूरा ही डी ग्लैमरस लुक है, आई एम विदाउट एनी मेकअप, यू नो, विच वॉज ऑसम, इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल शूट फॉर मी, एक पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम में फॉर अ वीक शूट, इट वॉज एब्सोल्युटली गुड एंड समथिंग डिफरेंट ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो मुझे बहुत मज़ा आया ये